बस्ती की हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से महर्षि वशिष्ठ के साथ इस जनपद की पहचान स्वतः जुड़ती हुई दिखाई देती है। वशिष्ठ के साथ जुड़ी हुई यही अपभ्रंश बाद में बस्ती के रूप में इस कस्बे को, इस नगर को और इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है। बिल्कुल, मैं तो जिस दिन से विधायक बना हूँ, मैं विधानसभा में पहला आदमी हूँ, पहला विधायक हूँ जिसने की बस्ती को का नाम बदल के वशिष्ठ नगर बस्ती करने का मैंने प्रस्ताव दिया था, लिखित प्रस्ताव भी दिया है। योगी जी आए थे यहाँ की जनता युवाओं में बहुत उत्साह था कि वशिष्ठ नगर बना दिया जाएगा बस्ती को, लेकिन योगी जी ने जो मनोहर नदी को साफ करने का कार्य उठाया बहुत ही सराहनीय कदम है उनका, लेकिन यहाँ के लोगों में उत्साह था कि वशिष्ठ नगर कर दिया जाएगा नहीं किया गया, इसे युवाओं में थोड़ा सा रोष है कि हाँ सरकार में उम्मीदें थी कि जिससे कि बन जाएगा लेकिन हो नहीं पाया। अब इससे तो यही लगता है कि इनकी पार्टी के इनके विधायकों को खुद की सुनी नहीं जा रही तो फिर आम पब्लिक क्या सुनी जाएगी। बिल्कुल, बड़ी आशाएं थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बस्ती में उनका पदार्पण है और जिसके नाम से बस्ती विख्यात थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर, जिनकी एक बहुत पुरानी वो कविता थी या व्यंग था कि बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़, लेकिन बड़ी आशाएं थी यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो प्रतिमा आज लावारिस पड़ी हुई है उसका कहीं अनावरण होगा, कहीं उसको स्थापित किया जाएगा, लेकिन वह आशाएं बस्ती की लोगों की वह उन पर खरी नहीं उतरी।